कविता का शीर्षक है, इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमलताज को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमलताज को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे महुआ के गंध से देश के विस्थापन का घाव भर लेना नामुमकिन होगा। यहाँ से आगे ठुमरी पर बसता पखावज सदियों दूर से आती मानुष चीख में बदल जाएगा। यहाँ से आगे कत्थक करते कमल दल से पाँव मानुष लोहू में डूबने लगते हैं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे घिड़ा की आग में जली बस्तियाँ आएंगी, मध्यकालीन मर्द के मस्तिष्क के मानसिक मवाद से मरी बच्चियाँ आएंगी, परिवार के कोल्हू में कच्ची तीसी सी पेड़ दी गई स्त्रियाँ आएंगी, बीमार मनुष्यता के लिए जंगल से सन्नाटे की औषधि बटोरते हुए पहाड़ों में जिंदा दफनाए गए मुंडा और टोपो आएंगे, अवर्णों की हड्डियों को उनके लहू में घिसकर चंदन लगाने वाली संस्कृतियाँ आएंगी, मजलूमों का रक्त पीकर जवान हुई सभ्यताएँ आएंगी, वध की भाषा में कत्ल की कथाएँ आएंगी। यहाँ से आगे ऐसा बहुत कुछ आएगा जिससे निबटने के लिए यहाँ से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। यहाँ से आगे लाशों से पटे धर्मस्थलों के गर्भगृह में बर्बरता की करुणा से तर्क युद्ध लड़े जाएंगे। यहाँ से आगे लाशों से पटे धर्मस्थलों के गर्भगृह में बर्बरता की करुणा से तर्क युद्ध लड़े जाएंगे। यहाँ से दुख नहीं दुख के कारण आएंगे। यहाँ से आगे बहसों का अंधड़ आएगा। यहाँ से आगे पुनर्व्याख्याओं की लू चलेगी। जिनकी चेतना के गुणसूत्र अनुकूल नहीं है ऐसे मौसम के लिए वे लौट जाएं। बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया, बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते। यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र, यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं।